आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ब्लाउज और बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ट्रेंड में है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली विचित्रा फैब्रिक अभी के टाइम में वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस कपड़े में एक शाइनिंग रहती है जैसे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी वेरायटी मिलेगी मेरे यहाँ, जो फिनिशिंग हम लोग जो स्टैंडर्ड के यूज कर रहे हैं, फैब्रिक क्वालिटी एसेसरीज वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा पाउच के अंदर पैक की हुई साड़ी है दोस्तों। ये जो सब कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से पाउच में पैक होके आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज बूटा पूरा अलग मशीन पे बनाया गया, उसके बाद इसके ऊपर स्टिच किया हुआ है। मैं बैक साइड दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों पेपर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, जिससे क्या फैब्रिक पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पूरा पेपर लगा के एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। ये देखिए ये नीचे का बेस जो है पूरा वेलवेट है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर हैंडवर्क किया हुआ है। तो तीन प्रोसेस करके पूरी साड़ी को कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। फ्री फैब्रिक का इसमें ब्लाउज दिया हुआ है, फुल हैवी स्लीव्स का बॉर्डर साथ में है और बूटी टेस्ट पूरा दिया हुआ है। तो इसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स कलर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। पूरी साड़ी में वीविंग का काम है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा हैवी बॉर्डर दिया हुआ है इसके अंदर, छोटे छोटे बुट्टे का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, बुट्टे के ऊपर हैंडवर्क का काम है, डायमंड का काम किया हुआ है। आगे का जो पीरियड है दोस्तों बताना चाहूँगा, फेस्टिवल पीरियड है, मैरिज पीरियड है, पूरा लगन का पीरियड है। अगर आप आज जुड़ के हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये गारंटी है दोस्तों बिजनेस में ग्रो होने ही वाले हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग आपको पूरा शादियों से मेरे से रिलेटेड जो कलेक्शन है वो सारा दिखाने वाले हैं। अभी के टाइम में जिस डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा रेगुलर जो वियर में साड़ियाँ यूज की जाती है रेगुलर लेने देने में, उसका पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे। तो साथ में चलते हैं दोस्तों, और कुछ काउंटर से निकलते हुए मैं आपको जहाँ फैंसी साड़ियों की रेंज रखी हुई है वहाँ पे लेके चलूँगा, वहाँ पे कुछ सैंपल्स आपको दिखाऊँगा। ये पूरा कैटलॉग का डिपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक मिनट जी, ये यहाँ पे पूरे तीन सेक्शन कैटलॉग डिपार्टमेंट के बना रखे हैं, रेंज वाइज, लो रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज। इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा प्योर कॉटन का डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है, सूती साड़ियाँ जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन डेली बेसिस पे आता रहता है। ये पूरा सिल्क का डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है। सो दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं फैंसी साड़ियों के काउंटर में। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा फैंसी साड़ीज़ का कलेक्शन लगा हुआ है, जो कि मैरिज सीजन में सामने फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो दोस्तों इसमें डेली बेसिस पे बहुत सारा कलेक्शन आता रहता है, नए डिज़ाइन आते रहते हैं, नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। सो एक एक करके मैं सारा कलेक्शन आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों कलेक्शन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, कड़ी मेहनत जितनी खामोशी से की जाती है, कामयाबी उससे ज़्यादा उसका शोर मचाती है। सो दोस्तों जो बिज़नेस करते हैं लोग, वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता, खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए बिज़नेस किया जाता है। और दोस्तों आज के टाइम में अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है हमारे साथ जुड़ के, आगे का जो पीरियड है दोस्तों बताना चाहूँगा, फेस्टिवल पीरियड है, मैरिज पीरियड है, पूरा लगन का पीरियड है। अगर आप आज जुड़ के हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये गारंटी है दोस्तों बिजनेस में ग्रो होने ही वाले हैं आप, 100% ग्रो होंगे। और दोस्तों ये और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर हमारे साथ जुड़ के आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो 99 नहीं होंगे, 101 रुपये ही होंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कलेक्शन से, एक एक करके आपको शानदार कलेक्शन आज मैं दिखाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी वैरायटी आई हुई है। सबसे पहले दोस्तों विचित्रा सिल्क पे जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ब्लाउज और बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ट्रेंड में है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली विचित्रा फैब्रिक अभी के टाइम में वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस कपड़े में एक शाइनिंग रहती है जैसे आप देख पा रहे हैं। टू टोन फैब्रिक है, इस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है साथ में, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं बॉक्स पल्लू का लिया हुआ है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फैब्रिक कैसे बनता है। एक्चुअली ये जो फैब्रिक है, सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल आता है जिसको ग्रे बोलते हैं यहाँ, वो पूरा यान से ग्रे बनता है, वाइट बेस रहता है, उसके बाद ये पूरा धुलाई होता है मिल में, उसके बाद एक प्रोसेस होती है डाइंग प्रोसेस, जिससे पूरे फैब्रिक पे कलर चढ़ाया जाता है, कलर किया जाता है। जिस टाइप का कलर हम लोगों को चाहिए होता है वो हम लोग मिल में प्रोग्राम देते हैं और वहां से प्रोसेस होके वो कलर डाइंग होके हमारे पास आता है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पे डाइंग होने के बाद भी 3 से 4 प्रोसेस किए हुए हैं।
फर्स्ट प्रोसेस जो आप देख पा रहे हैं इस पे पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है। सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी वर्क दोस्तों अलग मशीनों से होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं जरी का काम है और धागे का काम है, इसमें पूरा ये एम्ब्रॉयडरी मशीन से वर्क किया हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी वर्क का इसमें काम किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये साड़ी हम लोग लेडीज़ लोगों को जो घर बैठे हैं थोड़ा बहुत बिजनेस कर रही है, हम लोगों से जुड़ के अपने आप को ग्रो कर रही है, उनको ये साड़ियाँ जाती है बॉर्डर और जैसे आप देख पा रहे हैं बॉक्स पल्लू बना हुआ, उसके लिए ये पूरा लेडीज़ और जेंट्स का पूरा एक खाता बना हुआ रहता है। वहाँ लेडीज़ भी रहती है, जेंट्स लोग भी रहते हैं, पूरा ये स्टिचिंग करते हैं बॉर्डर को। जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे की साइड आपको आइडिया लगेगा कि स्टिच कैसे की जाती है, ये पूरा यहाँ पर सिलाई किया हुआ है बॉर्डर, तो लेडीज़ लोग इस पे पूरा बॉर्डर लगाती है। उसके साथ के साथ कुछ डायमंड का भी प्रोसेस होता है जो नेक्स्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो प्रोसेस भी लेडीज़ लोग करती है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है जो बिज़नेस कर रही है, घर बैठे अपना काम चला रही है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आप भी अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करें हमारे साथ जुड़ के। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ गारंटी है, क्योंकि सामने का जो पीरियड है वो ऐसा ही पीरियड है, 100% आपका बिज़नेस चलने ही वाला है। सो दोस्तों इस साड़ी को पूरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ किस टाइप से बना हुआ है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा साड़ी में पैनल में इसमें पूरा स्कर्ट में एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, और जो बॉर्डर है ये फुल साड़ी में आपको बॉर्डर मिलने वाला है, बनारसी बॉर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट है ये। दोनों साइड इसमें पाइपिंग दी हुई है फिनिशिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर की, रेड कलर की, और जो दोस्तों इसमें ब्लाउज दिया हुआ हैवी ब्लाउज दिया हुआ है, जिस टाइप का बनारसी इसमें पल्लू लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हैवी ब्लाउज दिया हुआ है फैब्रिक का, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस टाइप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रेगुलर बेसिस पे आते हैं। ये देखिए इसमें 5 पीसेस का पूरा कैटलॉग है, आपको हर एक पीस में अलग कलर मिलेगा। जैसे मैंने बताया पूरा डाइंग प्रोसेस होता है, जिस टाइप का कलर मैचिंग हम लोग को बनाना होता है वो हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। उसके अलावा इसमें आपको हर एक पीस पे अलग एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें अलग डिज़ाइन दी हुई है, इसमें अलग डिज़ाइन दी हुई है, तो पूरा कॉन्सेप्ट एक कैटलॉग रेडी किया हुआ है। ये दोस्तों अलग डिज़ाइन अलग कलर का कॉम्बिनेशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि आगे आपको सेल आउट करने में इश्यू नहीं आए। किसी भी कस्टमर को आप 5 पीस देंगे तो उसको पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसको भी आगे सेल आउट करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस टाइप से दोस्तों बहुत सारा कलेक्शन रेगुलर बेसिस पे आता रहता है। नेक्स्ट जो कलेक्शन दिखा रहा हूँ दोस्तों अलग फैब्रिक है, जॉर्जेट बेस का फैब्रिक है पूरा, इसमें भी अलग प्रोसेस किया हुआ है। जैसे मैंने आपको दिखाया था डाइंग कलर का मैचिंग किया जाता है, आप जैसे देख रहे हैं इस पर पूरा जॉर्जेट बेस का फैब्रिक का पूरा लाइनिंग का पैटर्न इसमें वीविंग का दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और फिर मैंने आपको एक प्रोसेस और बताई थी कि डायमंड का भी एक अलग प्रोसेस होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये एक मशीन से किया हुआ पंचिंग डायमंड है जिसको सिरोस्की वर्क बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस एक अलग मशीन पे होता है। इस पर भी पूरा बनारसी पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने दिखाया पूरा बॉक्स पल्लू का था, अभी जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ पूरा सी पल्लू कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं माथा पट्टी पर भी पूरा बनारसी पैटर्न का बॉर्डर दिया हुआ है, देखिए, और पूरी साड़ी में आपको इस टाइप का बॉर्डर मिलेगा, और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पे डायमंड का काम किया हुआ है, सिरोस्की वर्क का काम किया हुआ, पूरा पंचिंग के साथ ये मिरर डायमंड लगते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मेरे यहाँ जो फिनिशिंग हम लोग जो स्टैंडर्ड के यूज कर रहे हैं फैब्रिक क्वालिटी एसेसरीज वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे किस्म के डायमंड्स आते हैं, मिरर्स आते हैं, सिरोस्की वर्क की मशीनें आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो काम किया हुआ मिलेगा ये दोस्तों कहीं भी नहीं जाने वाला, वॉशिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रेगुलर वेयर में आप इस साड़ियों को यूज कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो ब्लाउज दिया हुआ है ब्रोकेट का ही ब्लाउज दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं फुल हैवी फैब्रिक का ब्लाउज है, जिस टाइप का बॉर्डर है उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ये भी पूरा कैटलॉग पैटर्न है दोस्तों, इसका इस टाइप का पोस्टर। दोस्तों हर एक पीस में आपको इस टाइप का फोटो मिलेगा कलर मैचिंग के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है किसी साड़ी में कोई कलर की फ़ोटो मिले, कलर टू कलर आपको फोटो मिलने वाले हैं। 6 पीस का ये कॉन्सेप्ट है, हर एक साड़ी में आप बॉर्डर की डिज़ाइन देखेंगे अलग मिलने वाली है, ये भी पूरा कैटलॉग कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, 6 अलग अलग रिच कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। सो दोस्तों लेके चलता हूँ नए कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें जैसे आप देखेंगे पूरा पाउच के अंदर पैक की हुई साड़ी है दोस्तों, ये जो सब कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ इस टाइप से पाउच में पैक होके आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं एकदम हैवी क्वालिटी का पाउच आपको मिलने वाला है, और इस टाइप से पैकिंग होके आएगी, ईच एंड एवरी पीस पूरा पाउच में पैक होके आपको मिलेगा, सेफ्टी के साथ पूरा ये पार्सल में जाएगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कम से कम 4 किलो की ये साड़ी है, इसमें जो वजन है वेट है 4 kg के अबाउट है। इसमें दोस्तों फुल डायमंड का काम किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा शाइनिंग यहाँ पे कर रहा है। मैं साड़ी पीस ओपन करके आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए दोस्तों, फुल हैवी कॉन्सेप्ट के साथ ये पीस अवेलेबल है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरा इसमें सी पल्लू का कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं, वेलवेट का बॉर्डर लगा हुआ है, प्योर 9000 वेलवेट यूज किया हुआ है, मैरून कलर का वेलवेट है। साथ में आप देखेंगे इसमें जो ये जो जाली टाइप का बॉर्डर देख रहे हैं, ये पूरा कैमरिक बॉर्डर बोलते हैं दोस्तों इसको। इसको भी हम लोग जिस कलर में चाहें उस कलर में डाइंग कर सकते हैं। ये पहले बॉर्डर पूरा इस पर स्टिच होता है, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं बॉर्डर की भी इसमें तीन लेयर ली हुई है। यहाँ पे पाइपिंग दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वेलवेट का बॉर्डर है, यहाँ पूरा कैमरिक का बॉर्डर है। जैसे मैंने बताया ये पूरा स्टिच होता है, उसके बाद इस पर ये पूरा जो हैंडवर्क आप देख पा रहे हैं डायमंड का हैंडवर्क किया हुआ है। फुल साड़ी पे ये हैंडवर्क का काम होता है दोस्तों, कम से कम 10,000 से ज़्यादा का डायमंड का इस पर काम किया हुआ है। और जैसे आप देख पा रहे हैं फुल साड़ी में आपको ये काम मिलने वाला है। और ये बुट्टे आप देखेंगे ये दोस्तों मशीन से नहीं बने हुए हैं, ये पूरा हैंडवर्क का काम किया हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं डायमंड का पूरा टचअप दिया हुआ है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पूरा डायमंड का टचअप दिया हुआ है। तो फुल साड़ी में आपको ये काम मिलने वाला है। इसमें दोस्तों आपको चार कलर की मैचिंग मिलेगी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ होगा। और जो ये बॉर्डर लगा हुआ है उसमें भी कलर चेंज होते रहेंगे। इसका जो ब्लाउज है रेगुलर ब्लाउज दिया हुआ है, ये देखिए जॉर्जेट का रेगुलर ब्लाउज है जैसे आप देख पा रहे हैं। और ब्लाउज में भी दोस्तों स्लीव्स के लिए पूरा बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों इस टाइप के आपको भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ दोस्तों इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा सा उसमें फैब्रिक अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा बॉक्स पल्लू बना हुआ है, हेवी बॉक्स पल्लू है, इम्पोर्टेड फैब्रिक यूज किया हुआ है, वेलवेट का यूज किया हुआ है। इसमें जो बॉर्डर है दोस्तों कैमरिक का बॉर्डर नहीं, देखिए पूरा वेलवेट का ही बॉर्डर दिया हुआ है। वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का काम किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी मशीन से काम होता है। उसके ऊपर ये सारे पेच बूटे लगे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेच बूटा पूरा अलग मशीन पे बना के उसके बाद इसके ऊपर स्टिच किया हुआ है। मैं बैक साइड दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों पेपर लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, जिससे क्या फैब्रिक पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पूरा पेपर लगा के एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। पेच बूटे के ऊपर पूरा जैसे आप देख पा रहे हैं डायमंड का काम किया हुआ है दोस्तों। इसमें भी कम से कम 7,000 से 8,000 डायमंड का काम किया हुआ है। छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई है मशीन से, एम्ब्रॉयडरी मशीन से, उसके ऊपर हैंडवर्क का काम किया हुआ है, डायमंड का पूरा काम किया हुआ है। तो ये इस टाइप से पूरा कॉन्सेप्ट आपको साड़ी में मिलने वाला है। पूरा हैवी बॉर्डर कंटिन्यू आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पल्लू में हैवी बॉर्डर दे दिया और स्कर्ट में हल्का, पूरी साड़ी में आपको बॉर्डर मिलेगा दोस्तों। ये देखिए, और इसका जो ब्लाउज है रेगुलर ब्लाउज दिया हुआ है, ब्लाउज में फुल हैवी स्लीव्स के लिए बॉर्डर दिया हुआ है, साथ में डायमंड का टचअप है। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों जैसे आप कलेक्शन देख रहे हैं, और भी बहुत सारा कलेक्शन है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये पूरा नया कलेक्शन है, अभी का फेस्टिवल का टाइम है, मैरिज सीजन है दोस्तों। जितना जल्दी आप ऑर्डर करेंगे आपको प्रोडक्ट उतना ही जल्दी मिलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे स्टॉक आ रहा है और डेली आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट आप ऑर्डर करें, हमारे दिए गए ऑनलाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें। जो भी आपको जानकारी लेनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड, जिस टाइप की भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सअप करके जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे भेज सकते हैं दोस्तों। साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर हमने माल परचेज कर लिया है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके यहाँ कैसी है? तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी होती है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही आपने माल परचेज किया, वो सारा का सारा माल बिलिंग होकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चला जाता है। कौन से ट्रांसपोर्ट में जाएगा, कितने दिन में पहुंचेगा, उस ट्रांसपोर्ट का कितना फेयर लगने वाला है, ये सारी डिटेल आपको हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी। साथ में दोस्तों मेरे यहाँ से अजमेरा फैशन से जो भी माल डिस्पैच होगा वो सारा इंश्योरेंस होके जाता है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हज़ारों में से एक बार कभी कभार होता है कि साड़ी शॉर्ट हो गई या साड़ी खो गई या साड़ी डिफेक्ट हो गई, तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए आप हमारे ट्रांसपोर्ट नंबर दिए हुए उस पर कॉल कीजिए, सारी डिटेल आप वहाँ दे दीजिए। ट्रांसपोर्ट से जो भी क्लेम लेना होगा हम लोग क्लेम लेंगे। आपको अगर पीस चेंज करके देना है या उसके सामने दूसरा आइटम आपको परचेज करना है तो आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आइटम की ओर। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट है जो हैवी लिया हुआ है।
विचित्रा सिल्क पे ये पूरा पीस बना हुआ है। यहाँ पे भी बॉक्स पल्लू है, इम्पोर्टेड फैब्रिक पे पूरा पेज बुटे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखेंगे आप बॉर्डर में पूरा अलग फिनिशिंग दी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा इसमें ये जरी का पूरा सर्किल बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन से फ्लावर बना हुआ है जरी का, जैसे आप देख पा रहे हैं धागे का टचअप है यहाँ। फिर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हैंडवर्क का काम किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये मोती का काम है, फिर मिरर का काम है, फिर डायमंड का काम है, तो इस टाइप से पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं फुल साड़ी में आपको काम मिलने वाला है दोस्तों, ये देखिए। और पेज बूटे देखेंगे आप पूरी साड़ी में मिलेंगे, ये पेज बूटे भी दोस्तों पूरा वेलवेट के ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए ये नीचे का बेस जो है पूरा वेलवेट है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर हैंडवर्क किया हुआ है, तो तीन प्रोसेस करके पूरी साड़ी को कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इसमें जो ब्लाउज है, ब्लाउज में आप देखेंगे हैवी बॉर्डर दिया हुआ है स्लीव्स के लिए। तो दोस्तों जैसे फैंसी साड़ीज़ में इस टाइप का बहुत सारा कलेक्शन है। अब मैं जो आपको कलेक्शन दिखाने वाला हूँ टोटली बनारसी कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा डिमांड में चलता है, बहुत रेगुलर बेसिस पे आजकल बनारसी पैटर्न यूज होने लग गया है, तो उसमें बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री फैब्रिक का इसमें ब्लाउज दिया हुआ है, फुल हैवी स्लीव्स का बॉर्डर साथ में है और बूटी टेस्ट पूरा दिया हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स कलर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मोस्टली रेड और मैरून रानी कलर ये ज़्यादा चलते हैं, पर आज के टाइम में मल्टी कलर का ट्रेंड है, बहुत सारे कलर रेंज बनारसी पैटर्न में आने लग गई है। अभी जो दिखा रहा हूँ दोस्तों ये भी बनारसी ही पैटर्न है, अब इसमें आप एक अलग कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है मीना वर्क का काम किया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं मीना वर्क दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जरी और धागे का कॉम्बिनेशन है, तो इसको मीना वर्क कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और पल्लू पे आप देखेंगे दोस्तों ये जो शाइनिंग कर रहा है ये वीविंग नहीं है, ये पूरा हैंडवर्क का काम है किया हुआ है, वीविंग की पूरी साड़ी है, पूरी साड़ी में वीविंग का काम है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा हैवी बॉर्डर दिया हुआ है इसके अंदर, छोटे छोटे बुट्टे का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, बुट्टे के ऊपर हैंडवर्क का काम है, डायमंड का काम किया हुआ है, तो फुल साड़ी में आपको यही कलेक्शन मिलने वाला है। इस टाइप का बहुत सारा कलेक्शन रेगुलर बेसिस पे आता है, लेटेस्ट कलेक्शन है दोस्तों, जितने जल्दी ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी आपको डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि अभी सीजन का टाइम है, डेली माल आता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये देखिए ब्लाउज भी फुल हैवी कॉम्बिनेशन के साथ मिलने वाला है, इसी टाइप में इसमें दोस्तों एक हैवी कॉन्सेप्ट भी बना रखा है फुल साड़ी में, जैसे आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर केसरिया कलर का कॉम्बिनेशन है साड़ी में, और जो इसका पल्लू जो आप देख पा रहे हैं पूरा मीना वर्क का पल्लू है, ये देखिए मल्टी कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पूरा आप देखेंगे जो बेल कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसमें उसी के अकॉर्डिंग पूरा हैंडवर्क किया हुआ है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उसको पूरा मीना वर्क बोलते हैं जो कि मल्टी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में है। बैक साइड करके दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरा वीविंग की साड़ी है दोस्तों, साड़ी ही बनती है ऐसा नहीं है फैब्रिक को अलग से डाइंग कराया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है, पूरा बनारसी पैटर्न है। फिनिशिंग के साथ आप देखेंगे दोस्तों पूरी साड़ी में ये आप अस्तर भी बोल सकते हैं इसको, पूरा ये यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है जिससे कि फिनिशिंग बनी रहे साड़ी की, और आगे पूरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ साड़ी में। ये देखिए फुल साड़ी में आपको हैंडवर्क मिलने वाला है, बनारसी पैटर्न दोस्तों, इस टाइप का कलेक्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका दोस्तों ब्लाउज दिखाता हूँ, हैवी ब्लाउज इसमें दिया हुआ है, ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी सेल्फ की डिज़ाइन दी हुई है, वीविंग की डिज़ाइन दी हुई है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं छोटी बूटी की डिज़ाइन है, तो ये पूरी वीविंग की ही डिज़ाइन है, साथ में इसके बॉर्डर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको नया बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, अगर आपने बिज़नेस कर रखा है उसको ग्रो करना है, उससे रिलेटेड आपको आइडिया चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए, ये गारंटी है दोस्तों जुड़ने के बाद आपका बिज़नेस ग्रो ही होने वाला है। नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट का आपको वीडियो देखना है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे क्या है जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिले। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्ते।